गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। खुशबर्न ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग का सूरत सुबह का 8 बज रहा है और अर्नब चला गया स्कूल, सारा काम हो गया, नाश्ता बन गया है और आज हम बनाने जा रहे हैं भरुआ। करेला का भरुआ बनेगा और उसकी रेसिपी आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आज सोचे कि थोड़ा रेसिपी ब्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ लोग रेसिपी मेरा बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो रेसिपी ब्लॉग आज करेला का भरुआ बनेगा, तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ से इसको इस तरीक़े से इसका मुंडी हटा करके और ये बीच से इसको फाड़ कर चेक कर लेंगे ये ख़राब तो नहीं है। और सारा को इसी तरीक़े से हम कर चुके हैं और करने के बाद इसको थोड़ा सा भापेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि ये सिज जाए। इधर कढ़ाई में पानी चढ़ा दिए और पानी चढ़ाने के बाद इसमें जाएगा नमक, क्योंकि इसमें जाएगा करेला। अब ये पानी में हल्का बॉयल आने लगा और ये करेला गया इसमें। जितना करेला है सारा करेला को डालेंगे और डाल करके इसको हल्का सा, मतलब हल्का जो सीज जाता है ना, उस तरीक़ा से बॉयल करेंगे, क्योंकि इसका मसाला भी तैयार करना है इसलिए। और प्याज जा रहा साथ में, क्योंकि प्याज भी काटे हैं, इसका दिखाते हैं। और ये गई करेली इसमें, लड़ झड़ बना रहे इसीलिए। करेला चला गया, अब इसको भापते हैं, इसको उबालते हैं थोड़ा सा। और मसाला के लिए इधर प्याज को हम चॉप कर लिए, रफली चॉप किए हैं, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं, मोटा भी नहीं बहुत ज़्यादा। और ये मसाला है, इसमें सरसों है, गोलकी, जीरा, लहसुन, अदरक, इतना चीज़ इसमें है। और प्याज को चॉप कर लिए हैं। अब ये करेला उबल गया और कुछ इस तरीका का कलर आया है। और हम क्या किए, सारा करेला का बीजा निकाल कर रख दिए, ये मसाला सरसों वाला और ये करेला का बीजा। अब करेला का बीजा को क्या करेंगे, मिक्सी का जो जार है जिसमें सरसों पीसे हैं उसमें डाल करके इसको ग्राइंड कर देंगे। तो सारा मसाला पीसने के बाद हम मिलते हैं आपको। अब ये पिसा गया बीजा और पिसा करके पूरा फाइन पेस्ट हो गया। अब इसको हम लोग भूंजेंगे। करेला को भूंजने की तैयारी होने लगी और इधर तेल गरम कर दिए और अब इसमें गया फोरन, ये गया सरसों और इसमें जाएगा प्याज। प्याज अच्छा से डालें, क्योंकि करेला है कड़वा लगता है, तो प्याज रहने पे थोड़ा सा कड़वापन ख़त्म होगा और खटाई भी पड़ेगा, मतलब खट्टा, इमली हो, जो भी आपके पास हो, इमली हो, अचार हो, नींबू हो, आमचूर पाउडर हो, जो डालना हो डाल सकते हैं। लेकिन मसाला फ्राई करने के बाद, पहले नहीं, क्योंकि मसाला फ्राई नहीं होगा, क्योंकि करेला का भी बीजा है तो उसको पूरा लाल होके फ्राई करना पड़ता है। थोड़ा सा लाल होने देते हैं। और अब इसमें प्याज जब हो गया तो इसमें गया ये सरसों का मसाला और ये जो बीजा जो पीसे हैं वो मसाला। और इसमें सारा मसाला अब जाएगा, ये गया इसमें नमक, हल्दी और ये कड़वा रहता है तो इसमें मिर्चा बहुत लोग नहीं डालते, लेकिन हमको हल्का तीखा पसंद है तो डाल दिए। अब इसको लाल करके भूंजेंगे, तो भूंजने के बाद दिखाते हैं, भूंजते भूंजते नहीं दिखाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये अब मसाला लगभग लोग तैयार हो गया और इस मसाला का यही बात है कि इसको आपको पूरा लाल करके भूंजना होगा, जल्दी लाल होगा नहीं लेकिन पूरा भूंजना होगा। और इधर ये है इमली जो पानी में फुला दिए हैं, तो इसमें इमली भी मिलाएंगे थोड़ा देर में। मसाला पूरा भूंजने के बाद मिलाते हैं, क्योंकि इमली डालने से खटाई पड़ जाने से थोड़ा मसाला लेट से भून जाता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और भूंजते हैं, क्योंकि देखिए पूरा लाल हो गया, पूरा हम कढ़ाई देखिए पूरा लाल हो गया, भूंजते भूंजते कितना भूंजे हैं। ये अब मसाला हो गया और पता नहीं कैमरा में कैसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है। और इसमें गया इमली, ये अब मसाला हो गया और इमली भी मिला दिए। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, पूरी तरीक़ा से ठंडा होगा तब जाके करेला में भरा आएगा। इमली के जगह पे आप
जो आमचूर पाउडर होता है, नींबू आमचूर पाउडर, टमाटर, अगर करेला ज़्यादा कड़वा लगे तो टमाटर सब चीज़ डाल सकते, टमाटर ज़्यादा कड़वा। ये मसाला को प्लेट में निकाल दिए और करेला के बीच में इसको भरेंगे, तो भरने के बाद दिखाते हैं, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़े हैं और एक हाथ से भर नहीं सकते हैं। काजल अभी है नहीं, कुछ और काम करने गई है, तो इसको इसमें भर देंगे प्रॉपर तरीका से, तो भरने के बाद हम दिखाते हैं। अब करेला को फ्राई करना है और करेला ये भरा गया, करेला सब में मसाला भर दिए और इधर तेल गरम कर रहे हैं और इसको लाल करके भूनेंगे पलटी अल्टी करके। ये है करेला, एक दो करेला करके भूनेंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, अच्छे से लाल नहीं हो पाता है, कैमरा ब्लर कर रहा है थोड़ा सा, तो भूनते हैं इसको इस तरीका से पलटी कर करके भूनेंगे। तो जब ये भुंजा जाएगा तब दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। अब बनकर तैयार हो गया भरवा करेला और बहुत ही टेस्टी बनती, बहुत ही टेस्टी लगती, कड़वा तो एकदम नहीं, क्योंकि खटाई पड़ता है और इतना लाल करके फ्राई होता है तो कड़वा नहीं लगता है। तो करेले की ऐसे बनाएंगे सब्जी तो सारे लोग खा जाएंगे, सारे लोगों को अच्छा लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा, करेला अच्छा भी होता है सेहत के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया लेके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा होते चल रहा वीडियो। तब तक के लिए बाय।